दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां आप पर संकट के बादल लगातार घने होते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन वादों के साथ सत्ता में आए थे, अब वो उन्हीं वादों की लाश पर लेटकर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की लगातार भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है और जनता की आंखों से भी पर्दा उठ रहा है। लेकिन इतनी पटकथा के बीच एक बात सबसे कमाल की है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल अभी भी जनता को मूर्ख बनाने से पीछे नहीं हट रहे और एक के बाद एक नए चाल चलकर जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षद को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। अब दिल्ली सरकार ने एलजी द्वारा चुने गए एल्डरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली इस अर्जी पर सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली में पहली बार एलजी ने एमसीडी में एल्डरमैन अपनी मर्जी से नियुक्त किए हैं। इससे पहले अब तक दिल्ली सरकार एल्डरमैन का चयन करती थी। एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर फ्रॉड करने का आरोप लगा चुकी है। तब पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि एलजी ने गैर कानूनी तरीके से निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया है। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 243R कहता है कि एल्डरमैन वो लोग होंगे जिन्हें निगम प्रशासन का खास अनुभव होगा, विशेषज्ञ हों। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और ये उठता है कि आखिर एल्डरमैन कौन होते हैं। तो आपको बता दें कि डीएमसी एक्ट 1957 के तहत 10 ऐसे विशेषज्ञ मनोनीत पार्षद के तौर पर चुने जाते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज या निगम के प्रशासन का अनुभव हो। इन्हें प्रशासक यानी राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किया जाता है। दिल्ली के एलजी ने जिन 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया था वो सभी बीजेपी के सदस्य हैं। एल्डरमैन को वो सभी अधिकार होते हैं जो एक पार्षद के पास होते हैं। उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलने से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में काफी हंगामा हुआ था। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के सामने आखिर समस्या क्या है। वो बात कुछ ऐसी है कि आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो आसानी से जीत लिया, लेकिन 6 सदस्यों में से 4 उम्मीदवार को जिताने में उसे खासी मुश्किल पेश आने वाली है। एक तो उनके पास इन 4 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पहले प्रिंस के वोट जरूरत से काफी कम है। दूसरी दिक्कत यह है कि डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी है, जिससे गणित और मुश्किल हो गया है। हिंदुस्तान में सियासी संग्राम जारी है क्योंकि 2024 में सभी राजनीतिक दलों की परीक्षा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं और अपने अपने धुरंधरों को जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतार दिया है। जहां एक तरफ केंद्र में काबिज बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपनी विसात बचाने के लिए लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त आंतरिक कलह से जूझ रही है। पार्टी के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं और अपनी पार्टी को खत्म करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर पिछले 4 दिनों से भारतीय संसद रण क्षेत्र बना हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। इस बीच राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी ने यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से मोदी सरकार के प्रदर्शन पर बोलने को लेकर आए आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। यह आमंत्रण ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष मैथ्यू डिक के कार्यालय द्वारा दिस हाउस बिलीव्स मोदीज इंडिया इज द राइट पाथ प्रस्ताव पर बोलने के लिए भेजा गया था। निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस तरह के मुद्दों को भारत के भीतर भारतीय नीति निर्माताओं के लिए उठाना जाना चाहिए। वरुण ने कहा कि उनका मानना है कि विषय पर पूर्व निर्धारित निष्कर्ष के साथ तय किया गया था। वरुण गांधी कई मुद्दों पर मोदी सरकार की खुलकर आलोचना कर चुके हैं और उनका अब झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ है। ऑक्सफोर्ड यूनियन को अपने हिसाब से वरुण गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद के भीतर और अन्य मंचों के माध्यम से निरंतर और रचनात्मक तरीके से राष्ट्रीय बहस में भाग लेने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आंतरिक चुनौतियों को मुखर करने में कोई योग्यता या ईमानदारी नहीं देखता। तो बात यहाँ अब ये समझने वाली है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनके परिवार के लोग ही नहीं है तो जनता क्या खाक भरोसा करेगी। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर विदेश में भारत को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने यूके में भारत को बदनाम किया है और मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र खतरे में है और उनकी आवाज दबा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 17 मार्च राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी कोर्ट में पेशी रिमांड खत्म होने को लेकर हुई, इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। वो अब 22 मार्च तक रिमांड में रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनकी 7 दिन और रिमांड की मांग की है।
इस केस से जुड़े कई अहम फैक्ट को सामने रखते हुए ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 7 दिन पहले की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आलोक श्रीवास्तव ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसे लेकर अभी जांच करनी है। इस आधार पर सी अरविंद से पूछताछ करनी है, बाद में सी अरविंद, संजय गोयल और गोपी कृष्ण से आमना सामना कराना है। ईडी ने कहा कि मामले की शिकायत होते ही मनीष सिसोदिया ने 22 जुलाई को मोबाइल बदला। इस बारे में पूछताछ करने पर सिसोदिया बता नहीं पाए कि उस फोन का क्या किया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर भी पूछताछ करनी है। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया के कंप्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेजों में 5% कमीशन था, जो सितंबर 2022 में बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। ईडी ने कहा कि साउथ लॉबी के कहने पर ऐसा किया गया। सिसोदिया के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जो बातें ईडी कह रही है ये सभी बातें सीबीआई भी कोर्ट में कह चुकी है, इससे कुछ भी नया नहीं है। वकील ने कहा कि 7 दिनों में सिर्फ 12 से 13 घंटे पूछताछ की गई। इस पर ईडी ने कहा कि हर रोज 5 से 6 घंटे पूछताछ की गई है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं। गुरुवार 16 मार्च को भी 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव करने के कथित घोटाले के आरोप में बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया था। दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी को अब डर सताने लगा है, और डर है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी जिस तरह आम आदमी पार्टी के पोल खोलने में लगी हुई थी उससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता बीजेपी को घेरने के लिए उलझलूल बयान दे रहे हैं। और ये सब करके वो ये बयान जरूर कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी से कितना डर लग रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जासूसी करने के आरोप लगे हैं, साथ ही उन्होंने केंद्र की जांच एजेंसियों पर सवाल भी खड़े किए। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से लगातार देश के सबसे शक्तिशाली शक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्रधानमंत्री और प्रचंड बहुमत की सरकार के नेताओं की जासूसी करा रहा था और केंद्र की एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। चड्ढा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि एजेंसियों कर क्या रही थी। अगर आपको 8 सालों तक एक उप मुख्यमंत्री की कराई जा रही जासूसी का पता भी नहीं चल सका तो चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं उसका आप क्या ही लड़ पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं की जासूसी करवाए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता ने मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया और बीजेपी की केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राघव चड्ढा के बयानों से साफ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में कितना खौफ का माहौल है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।